आपको बता दें, लेटेस्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ी बात हुई है, एक बहुत ही इमोशनल पल था टीना दत्ता के लिए, जहाँ पे उनका जो पेट है, उनकी जो पेट है रानी, उनकी डेथ हो गई। और इसके बारे में कन्फेशन रूम में आकर बिग बॉस ने उन्हें बताया कुछ वक्त के लिए। उन्हें बिग बॉस के घर से भी आने की परमिशन दी थी, उनके डॉग को, उनके पेट डॉग को लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम मिलने के लिए। और इस बारे में उन्होंने निमृत और शालीन से ये बात जो है शेयर की। काफ़ी रो रही थी, इमोशनल हुई थी। बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद जब वो बिग बॉस के घर के अंदर वापस आई, तब उन्होंने ये बात शेयर की, जिसके बाद हमने देखा कि कैप्टनसी टास्क के दौरान टीना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी थी। मतलब ऐसा दिखने में तो लग रहा था, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि उनके इमोशंस यू नो झूठे थे उनके डॉग के लिए, वट एवर, दैट इज़ नॉट माई थिंग। बट एक बड़ी बात सामने आ रही है, जहाँ पे शिव ठाकरे ने एक कमेंट किया था शालीन के गेम को लेकर। कहीं ना कहीं शालीन के गेम को बहुत पहले एक्सपोज कर दिया था शिव ने, और कहीं ना कहीं अब ये रियल भी हो रहा है, रियल प्रूफ भी हो रहा है, ये फैंस कह रहे हैं। सो चलिए आपको बताते हैं आखिर लोगों का क्या राय है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें, शिव ठाकरे ने करेक्टली डिकोड किया था शालीन बनौत का गेम पहले ही, कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट जो है शिव ठाकरे ने दी थी शालीन भनौत के बारे में बहुत पहले, और कहीं ना कहीं अब वो ट्रू भी होती हुई नजर आ रही है। जहाँ पे गौतम को पहला यू नो परमिशन दिया था कि आप जाकर पहले किसी दो कंटेस्टेंट्स को कैप्टनसी रेस से बाहर कर दोगे, तो टीना मनाने की कोशिश करी थी, बात करने की कोशिश करी थी, तब गौतम नहीं सुन रहे थे। तब शालीन ने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा, शायद तुम्हें गलत लगेगा, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। और उन्होंने बताया कि तुम्हारी पेट डॉग की डेथ हुई है, इसका यूज़ करो, इसका इस्तेमाल करो, जाकर गौतम को बोलो। एंड इस चीज़ के बारे में वो बात करने भी गई थी। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे स्टूप करते हुए शालीन नज़र आए, और टीना भी कहीं ना कहीं प्ले अलोंग करती हुई नज़र आई है। और यू नो लोगों के अलग अलग इस पर रिएक्शंस है। किसी का कहना है कि टीना इवन ट्राइड टू टॉक टू गौतम बाय लिसनिंग टू शालीन। डेफिनेटली वो तो घटिया गेम खेलता ही है, लेकिन पता नहीं था टीना भी इतना घटिया गेम खेल सकती है। अपने पेट डॉग की डेथ का इस्तेमाल कर उन्होंने कैप्टनसी हासिल करने की कोशिश की, शेमफुल। तो कोई कह रहा है बट बोलती तो सच कि प्यार है अपने डॉग से, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा लेने के लिए बोलना, ये बहुत गलत है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम टीना, आज रिस्पेक्ट कम हो गई। तो कोई कह रहा है शी सेड वेरी स्लोली कि मैं ऑलरेडी लॉस के थ्रू जा रही हूँ, अगर टीना नहीं होती शालीन के साथ तो वो शाइन करती, शी इज़ विद अ रॉन्ग पर्सन एंड नाउ शी इज़ डेफिनेटली बींग सीन एज नेगेटिव। तो कोई कह रहा है पेट डॉग का थिंग यूज़ करना वॉज रियली रियली बैड, छी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड इट वॉज़ वेरी वेरी डिसगस्टिंग। तो कोई कह रहा है दिस इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल, आई डू नॉट नो कि इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। शालीन एंड टीना सच में वर्स्ट एंड फेक है, शिव वॉज सो राइट अबाउट शालीन, गेम के लिए शालीन कुछ भी कर सकता है। तो कोई कह रहा है ये शालीन अपने आप को क्या समझता है, बिना मतलब का फुटेज चाहिए, गेम खेलता नहीं है और कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, टीना का दिमाग भी इसी ने ख़राब किया है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट टीना टू बी विथ हिम, आई वॉन्ट टीना टू प्ले अलोन। बहुत गलत जा रही है, अपने पेट डॉग का इस्तेमाल करना वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं यू नो उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं तो बोली है, मतलब एटलीस्ट एपिसोड में तो नहीं दिखी है कि वो गौतम को बोल रही है अबाउट हर पेट डॉग डाइंग, बट शी सेड आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन बट नेवरदलेस मुझे कैप्टनसी चाहिए, ये उन्होंने बोला। सो अब एपिसोड में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अटेम्प्ट किया है शालीन की बात सुनकर, तो इसलिए टीना गलत दिख रही है। और अगर टीना ये बात अगर शालीन को बोलती कि यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम कैसे मुझे बोल सकते हो मेरे डॉग का इस्तेमाल करूँ कैप्टन से लेने के लिए, तो शायद टीना सही दिखती। आपकी राय मुझे बताइए कॉमेंट्स में। आई विल सी यू।